आप सभी का निर्माण एजुकेशनल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। कोर्स 8 है, नॉलेज एंड करिकुलम से है ये क्वेश्चंस। पाठ्यचर्या की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं, पाठ्यचर्या तथा पाठ्य वस्तु में अंतर क्या है, तो आज हम लोग समझेंगे रूपरेखा से क्या समझते हैं। तो प्रस्तावना में आइए। प्रस्तावना, पाठ्यचर्या एक प्रकार का मार्गदर्शन है जो कि शिक्षण और शिक्षार्थी को बताता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, किस प्रकार करनी है। और पाठ्यचर्या हमें क्रम से अध्ययन करने को कहता है तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाले सिद्धांत का अनुसरण करता है। पाठ्यचर्या का आशय छात्र द्वारा प्राप्त किए गए समग्र ज्ञान से है जो अपनी शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त करता है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे जो पाठ्यचर्या है वो क्या है। एक प्रकार का मार्गदर्शन है, गाइडलाइन है, जो कि एक टीचर और स्टूडेंट को ये बताना है कि उसे शुरू कहाँ से करना है और अंत कहाँ पर जाके करना है। पाठ्यचर्या हमें क्रम से अध्ययन करने को कहता है कि जैसे बीएड है 2 साल का है तो हमें 1 ईयर में इतना पढ़ाई करना है। कहाँ से कितना पढ़ना है, 1 ईयर में आपको जैसे कोर्स 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 इतना पढ़ना है। फिर 7 तक मैथ पेपर तक पढ़ना है। फिर आपको 8, 9, 10, 11 ये सब सेकेंड ईयर पढ़ना है। तो कौन तय करता है, करिकुलम, जिससे किसी टीचर हुए, लेक्चर हुए, उनको क्या होता है, पढ़ाने में बहुत सहूलियत महसूस होती है। तो इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इस और पाठ्यचर्या के आशय छात्र द्वारा प्राप्त किए गए समग्र ज्ञान से है जो अपनी शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त करता है। जो कोई बीएड कर रहा है, कोई आपको बहुत कोर्सेस है, तो बीएड हुआ, डीएड हुआ, तो कर रहा है, तो एक स्टूडेंट होता है तो अपने टीचिंग जो कर रहा है उस प्रोसेस में जो भी नॉलेज प्राप्त करता है तो क्या होता है, वही करिकुलम होता है। तो ले महोदय जी देखिए क्या बोलते हैं। ले का कहना है पाठ्यचर्या का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जीवन है। यानी पाठ्यचर्या कहाँ तक है, जहाँ तक हमारा जीवन है। ऐसे कहा जाता है ना कि सीखना जीवन पर्यंत है। हम लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे औपचारिक रूप से सीखे चाहे अनौपचारिक रूप से सीखे। और हेनरी महाराज जी क्या बोलते हैं, हेनरी मोदी का कहना है पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएँ आती है जो स्कूल के विद्यार्थी को दी जाती है। और स्कूल्स हुआ, कॉलेजेस हुआ, इसमें जो भी एक्टिविटी कराए जाते हैं सब क्या आते हैं, अकॉर्डिंग टू करिकुलम होता है। नेक्स्ट हुआ मुंडरो का कहना है करिकुलम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। कि जो हमारा करिकुलम है क्या है, पूरा होल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का क्या है, सार समझना चाहिए, सार है, ऐसा इनका मानना है मुंडरो का। और नेक्स्ट हम लोग समझेंगे पाठ्यचर्या की रूपरेखा। और मेन आइए क्वेश्चन क्या था, रूपरेखा, फ्रेम को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए फ्रेमवर्क में आपको देखिए क्या होता है, जैसे एजुकेशन है तो अभी आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा हिस्ट्री तो उसमें आपको पता चलेगा हमारा जो पुराने ज़माने का जो टीचिंग स्टाइल था, जो टीचिंग मेथड था क्या था, एकदम अलग था। जब अंग्रेज शासन करने लगे यहाँ पे, तो जब एडम स्मिथ थे जो ईसाई प्रचारक थे, तो आप सभी को तो मालूम है 1835 में क्या हुआ, मैकाले ने क्या किया, उस अधिनियम के द्वारा हमारे यहाँ क्या शिक्षा को अंग्रेजी बनाया गया। उसी समय महात्मा गांधी ने क्या कहा कि अंग्रेजी जो शिक्षा है हमें गुलाम बना रही है। लेकिन बहुत लोग समर्थक थे, सर सैयद अहमद खान थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ये लोग समर्थक था। इनका कहना था कि मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उनका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा में जो भी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है उसको अपनाया जाना चाहिए, आधुनिकरण को अपनाया जाना चाहिए। हमारे जो यहाँ जो भी उसमें मेन चीज़ें हैं उसको भी अपनानी चाहिए। और शिक्षा क्या होना चाहिए, एकदम खुला वातावरण, प्रकृति वातावरण में आना चाहिए। तो देखिए पहले की पाठ्यचर्या की कोई करिकुलम ही नहीं था। इंडिया की जो एजुकेशन था कहीं बरगद के नीचे, किसी पेड़ के नीचे, मंदिर में या गुरु के घर कहीं पढ़ाया जाता था। ना कोई निश्चित फी थी, ना कोई करिकुलम था, ना ही पाठ्य पुस्तक था। और जब फसल की कटाई होती थी तो उस समय स्कूल क्या हो जाता, बंद हो जाता था। तो ऐसा किसका रिपोर्ट है, एडम ने अपना रिपोर्ट दिया।
अंग्रेजों को बहुत ही बुरा लगा, रहे ये कौन सा यहाँ का फ्रेमिंग है, कोई एजुकेशन का फ्रेम ही नहीं है। तब लॉर्ड मैकाले ने अपना फ्रेमवर्क तैयार किया जिसमें शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है, 1854 को, जिसमें एजुकेशन को व्यवसायीकरण के लिए भी कहा गया कि एजुकेशन जरूरी है, साथ ही उसमें देश प्रोफेशनल विषय भी होना चाहिए, हुनर सिखाना भी चाहिए। तो देखिए वो क्या हो गया, फ्रेमवर्क हो गया। तो वैसे ही उसके बाद राजीव गांधी के टाइम में 1986 का आया फ्रेमवर्क, तो इसको हमने समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इतना फ्रेमवर्क आप अच्छा समझ जाइए कि 1986 में राजीव गांधी के टाइम में आया था, जिसको बोला जाता है NPE, यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या होता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उन्होंने ही क्या किया, उसमें शिक्षा के फ्रेमवर्क को तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सा फ्रेमवर्क को तैयार किया गया। फिर उसके बाद आपको फिर एक फ्रेमवर्क आया 1992 में आया, और आपको फिर 2005 का जो बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाया NCF 2005, फिर बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अभी जो फ्रेम में तैयारी किया गया है, अभी 2019-20 में जो इसको 22 तक लागू किया जाएगा, इसका हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब हमारा जो राष्ट्रीय जो हमारा शिक्षा है इसका फ्रेमवर्क एक अलग ही तैयार हो के आएगा जब लागू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ समझिए, शिक्षा में पाठ्यचर्या का नवीनीकरण और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखिए समय के अनुसार हमारे शिक्षा पद्धति में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में क्या होता है, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। एकदम जड़ बना रहे तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, तो चेंजिंग होना भी जरूरी है समय के अनुसार। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसका मतलब हुआ NCERT, तो आप सभी जानते हैं, भारत सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कर विद्यालय क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रम के निर्धारण और क्रियान्वयन में सहयोग और परामर्श देती है। देखिए NCERT क्या करती है, भारत सरकार को सहयोग देती है कि देखिए कैसा होना चाहिए, हमारा शिक्षा कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले NCERT ही 2005 को अपनाया और बहुत ही व्यापक लेवल पर अपनाया है। तो आप देखिएगा सेंट्रल स्कूल का जो भी बुक्स होते हैं, बहुत स्कूल्स है जो अपने NCERT लागू करते हैं, लेकिन हमारा बिहार में है तो हमारे यहाँ भी बिहार का फ्रेमवर्क है, तो उस अनुसार हमारे यहाँ BTC लगता है, तो इसे समझेंगे। देखिए अतः परिषद देश के लिए लोगों की आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्र के समक्ष मौजूद मुख्य मुद्दों के संदर्भ में विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करती है। इसके बाद पाठ्यचर्या की रूपरेखा से तात्पर्य है एक ऐसी बातें है जो एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत शिक्षक एवं स्कूल उन अनुभवों का चुनाव कर सकते हैं जो उनके अनुसार बच्चों के लिए लाभप्रद हो। बच्चों के लिए क्या हो, लाभप्रद हो। तो परिषद क्या होती है, परिषद राय देती है, परिषद सलाह देती है हमारे भारत सरकार को कि जैसे बदलाव आ रहा है, अभी यह 21वीं सेंचुरी है तो हमारा पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए, उसी प्रकार होने चाहिए। तो देखिए पाठ्यचर्या के रूपरेखा से तात्पर्य एक ऐसी बात से है जो एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करना है जिसके अंतर्गत शिक्षक एवं स्कूल उन अनुभवों का चुनाव कर सकते जो उनके अनुसार बच्चों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारा करिकुलम है, तो करिकुलम के क्या होता है, एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ता है। तो उससे हमारा मतलब ये है कि यह एक क्या करता है, रूपरेखा प्रस्तुत करता है एक, जिसके अंतर्गत शिक्षक एवं स्कूल उन अनुभवों का चुनाव कर सकते हैं जो उनके अनुसार बच्चों के लिए लाभप्रद हो। देखिए जब फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है तो इसमें देखा जाता है कि आखिर कैसा होना चाहिए हमारा शिक्षण रूपति, कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। लेकिन आजकल एकदम जोरों शोरों से किस पर जोर दिया जा रहा है, बाल केंद्रित पे। आजकल बालक को जैसे NCF है क्या मानता है, 2005 बालक तो भगवान है, बालक का बुरा ही नहीं किया जा सकता, ना ही उसे पीटा जा सकता है। तो समय के अनुसार बदलाव आता रहता है और टीचर और स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए किस पर ध्यान दिया जाता है, स्कूल किन शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करे। मैंने जो स्कूल है
तो स्कूल किन चाहिए को देश को पूरा करने की कोशिश करें, यानी यानी जो हमारा फ्रेमवर्क है तो उसमें यह ध्यान दिया जाता है कि स्कूल किन शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करे, मैंने हमारा जो एजुकेशनल एम है कैसा होना चाहिए, इन उद्देश्यों के लिए कौन कौन से शैक्षिक अनुभव कारगर होंगे और कौन कौन से अनुभव कारगर होंगे, और थर्ड नंबर है यह शैक्षिक अनुभव किस प्रकार सार्थक रूप से नियोजित किए जा सकते हैं, इनको प्लान कैसे किया जा सकता है, हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह शैक्षिक उद्देश्य वाकई पूरे हो रहे हैं कि नहीं। अब जैसे NCM 2005 आ गया, अब कहने का मतलब है कैसे पता चलेगा कि यह वाकई मतलब पूरा हो रहा है कि नहीं, तो भाई देखा जा रहा है कि हर जगह इसे ऐलान कर दिया गया है कि NCERT अभी तक का सबसे बेस्ट बुक है, हम CTET का भी मतलब BEd करने के बाद आप लोग CTET एग्जाम दीजिए, उसमें क्या होता है SST में जो सेकंड पेपर होता है तो 60 पूरे NCERT पूछता है, NCERT से एक भी टॉपिक क्या होता है अलग नहीं जाता, एक भी क्वेश्चन नहीं, तो इसका मतलब है हमारे उद्देश्य को पूरा कर रहा है। इस संदर्भ में यदि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 को देखा जाए तो इसका निर्माण विशेष रूप से बच्चों पर बढ़ती पाठचर्या के बोझ की समस्या से संबंधित करने के उद्देश्य से किया गया था। रूपरेखा में इस बात की ओर इंगित किया गया स्कूलों में शिक्षा तब तक आनंदपूर्ण अनुभव नहीं हो सकती जब तक बच्चों के संबंध में हम अपनी समझ को न बदल लें कि बच्चा ज्ञान के ग्रहणकर्ता मात्र है और पाठ्य पुस्तक ही परीक्षा का आधार है। देखिए यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा पाठचर्या के फ्रेमवर्क 2000 है। देखिए पाठचर्या के फ्रेमवर्क क्या है 2000, देखिए 2000 में क्या कहा गया है, 2000 में कहा गया है कि देखिए बच्चों पे जो है मोटी मोटी बुकें नहीं लादनी है, बच्चों को क्या करना है एकदम उबाऊ निराशा फील नहीं होना चाहिए बल्कि वो पढ़ाई क्या कर सके आनंद के साथ कर सके, ऐसा NCERT 2005 में बोलता है। तो देखिए 2000 के अनुसार देखिए बालक के एज के अनुसार मानसिक योग्यता एवं क्षमता के अनुसार क्या होना चाहिए हमारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा होनी चाहिए, और शिक्षण मतलब जब टीचर अपना टीचिंग करा रहा हो तो पाठ्य सामग्रियों की सहायता से भी शिक्षण करा मतलब TLM में कभी यूज करे, और पाठ्यक्रम की सहायता से शिक्षण कार्य करने से पहले अपनी पूरी योजना तैयार कर ले, पढ़ाने से पहले क्या कर ले एक लेसन प्लान तैयार कर ले कि आज कक्षा में जाना है तो मुझे क्या पढ़ाना है, जो 2000 कहता है यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 ऐसा बोलता है। बालकों के उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम होने पर बालक उसे आसानी से स्वीकार कर सकते हैं, और करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बालक की क्या करे उसके उद्देश्य को पूरा करे, क्योंकि हम क्या है हम उसी चीज़ को सीखना चाहते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो। करिकुलम की आवश्यकता है कि इसकी सहायता से निरीक्षण एवं सर्वेक्षण करने में पता लगाया जा सकता है कि शिक्षण की क्या पढ़ाया और छात्र अब तक क्या सीखा, देखिए करिकुलम है तभी तो हम जज कर सकते हैं निरीक्षण कर सकते हैं कि अभी तक टीचर क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है। किसी किसी के समय में देखिए जैसे माने कि कोविड हुआ तो इसकी वजह से जैसे बंद था स्कूल कॉलेज, तो होता है ना कि भाई इतना नहीं पढ़ाई हुआ चाहे ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, कुछ पढ़ाया जाता है कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, तो किससे पता चलता है अकॉर्डिंग टू करिकुलम तो ही पता चलता है स्टूडेंट को कि हमें ये पढ़ाना, अगर टीचर नहीं पढ़ाए तो स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे पढ़ना है तो कैसे बोलता है करिकुलम की ही वजह से बोलता है। तो हमारा जो है फ्रेमवर्क 2000 ये बताता है कि आखिर हमारा फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, और इस प्रकार वो मतलब उसका कहना है कि बस मोटी मोटी पाठ्य पुस्तकें और उससे शामिल पाठ्यक्रम दरअसल बच्चों के केंद्र में रखकर उन्हें संबोधित करने की व्यवस्था की असफलता का प्रतीक, वो बोलता है ये मोटी मोटी जो किताबें ला दी जाती है ये क्या है ये बच्चों का असफलता का प्रतीक है, बच्चे उबाऊ महसूस करते हैं, यह सब देखते हुए शिक्षा बिना बोझ के लर्निंग विदाउट वर्ड है किसका नारा स्लोगन है 2005 का है। तो इसको समझिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा में विशेष परिवर्तन लाने की सिफारिश की गई है। अब जो भी पाठ्यचर्या बनाई जाती है इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो लर्निंग क्या हो विदाउट बर्डन हो, इस बात की भी सिफारिश की गई है समाज की इस मानसिकता में बदलाव आए कि बच्चों के उग्र रूप से प्रतिस्पर्धा बनाने एवं असामान्य योग्यता दर्शाने के दबाव न डाला जाए, बच्चों में क्या हो कंपटीशन वाली भावना न डाली जाए नहीं और योग्यता उसकी बढ़ाई जाए, ऐसा हमारा एजुकेशन फ्रेमवर्क का मानना है। अब देखिए नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 आया, फिर आपको देखिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आया, इनका कहना है कि
ये जो फ्रेमवर्क, इनका कहना है कि नवीन पाठ्यचर्य की रूपरेखा प्रस्तावित की जाए, ताकि ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवस्था के विकास का जरिया बना जिसमें यह सामर्थ्य हो कि वह भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को दृष्टि से रखते हुए अकादमिक मूल्य भी सुनिश्चित करे। कि इस प्रकार पाठ्यचर्य की रूपरेखा की परिकल्पना शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बातों के साधन के रूप में की जाती रहे। देखिए यहाँ कहना है ना कि जो हमारा फ्रेमवर्क हो कैसा होना चाहिए, वो फ्रेमवर्क जो है वो हमारे जो हमारा देश है, जैसे हम लोग इंडिया के हैं तो हम लोग हमारा जो भारत देश है इसके भौगोलिक सांस्कृतिक वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जाए, और यहाँ जो भी मूल्य है आधारभूत मूल्य को भी वैल्यू दिया जाए, ऐसा हमारा कुलकुलम होना चाहिए जिसमें आधुनिकता भी होना चाहिए। अब 2005 की राष्ट्रीय रूपरेखा, अब 2005 देखिए, 2005 में क्या है, स्टूडेंट को सबसे ऊपर रखा गया है। फिर आपको इसमें आपको कंटेंट करिकुलम सिलेबस हो गया, फिर आपको टीचर हो गया। तो ये जो 2005 है फ्रेमवर्क 2005 है, देखिए इसका क्या मानना है कि पाठ्य करिकुलम क्या होता है, बालक के संपूर्ण विकास हेतु तथा सांस्कृतिक प्रजाकरण का भी ज्ञान देता है। मैंने मतलब जो हमारा ये करिकुलम होता है वो संपूर्ण विकास हेतु तथा सांस्कृतिक पर्यावरण का भी ज्ञान देता है, और साथ ही सामाजिक भौतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण का भी ज्ञान देता है। फ्रेमवर्क का उद्देश्य विषयों के ज्ञान के साथ साथ शैक्षिक प्रक्रियाओं में एक सहसंबंध स्थापित करता है, बच्चों का सामाजिक विकास करता है। ऐसा हमारा करिकुलम का फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें क्या हो, सेकुलर होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, किसी एक धर्म की ओर जाकर नहीं बनाया जाना चाहिए, समानता एवं न्याय होना चाहिए, बालक के एज के अनुसार हो, उसमें बालक की रुचि हो, क्षमता के अनुकूल हो, और जिससे व्यक्ति का यानी बालक का फिजिकल इंटेलेक्चुअल यानी देखिए शारीरिक भौतिक और सामाजिक विकास भी हो। करिकुलम से जो उसका फ्रेमवर्क होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, भातृत्व, मित्रता, सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति और अनुशासन आदि गुणों का भी विकास होना चाहिए जिससे बालक क्या हो चरित्रवान बन सके। ऐसा फ्रेमवर्क 2005 ऐसा उनका मानना है। श्रम की प्रतिष्ठा तथा प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण पैदा होना चाहिए, सबका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाया जाना चाहिए। कठिन परिस्थिति में भी संघर्ष का मुकाबला करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की भी क्षमता होना चाहिए, यानी हमारा जो एजुकेशन वहाँ का जो फ्रेमवर्क हो केवल पढ़ना लिखना न सिखाए। आप जो पढ़िएगा महात्मा गांधी बार बार इस बात पे जोर देते हैं, वो मतलब दिए हैं हर जगह, उनका कहना है कि केवल बच्चों को पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाना चाहिए बल्कि उनके अंदर निहित जो भी शक्तियाँ वो भी बाहर आना चाहिए, उन्हें हुनर भी आना चाहिए, उन्हें अपने लाइफ में स्ट्रगल करने की क्षमता भी आनी चाहिए। ऐसा हमारा एजुकेशन हो जो हमें अंदर और बाहर दोनों ओर से मजबूत होना चाहिए, ऐसा हमारा फ्रेमवर्क करिकुलम का फ्रेमवर्क होना चाहिए, ऐसा हमारा 2005 करता है। तो देखिए ऐसे में 2005 क्या करता है, एक तो बिना बोझ का शिक्षा देना है, दूसरा एकदम क्रिएटिविटी मतलब क्रिएशन होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए शिक्षा में, क्योंकि बच्चे जो क्या होता है रचनात्मक होते हैं, वे रचना करते हैं। पियाजे ने क्या कहा है कि वे एक नन्ना वैज्ञानिक है, और वो उसकी कहते हैं कि ये जो समाज है उसे क्या करता है बच्चा सीखता है। पियाजे का मानना है कि ये समाज में है कि बच्चे खुद रचना करके अपनी योग्यता के अनुसार सीखता है। तो इस प्रकार एनसीएफ 2005 क्या कहता है, रचनावाद पर जोर देता है। इसकी रचना पाठ्यचर्य के दार्शनिक मनोवैज्ञानिक आधारों की पुनः सुधार हेतु की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्य को की रूपरेखा ने पाठ्यचर्य को अधिक जीवंत एवं सार्थक बनाने हेतु इसे बाल केंद्रित करने हेतु एवं इसे बालक के अनुभव से जोड़ने हेतु कुछ ठोस सुझाव दिए हैं। इसमें भारत की व्यवस्था की असमानता पर्यावरणीय ह्रास से निपटने हेतु पाठ्यचर्य में उचित परिवर्तन किए गए हैं। देखिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बालक अनुभव को भी इसमें शामिल किया जाए, बाल केंद्रित शिक्षा हो, उचित इसमें उचित परिवर्तन भी किया जाए। इस पाठ्यचर्य की रूपरेखा की शिक्षा का अनुवाद भी किया गया है, और इसमें क्या है, बच्चों को मातृ क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा,
हिंदी भाषा सभी में एजुकेशन किया जाए दिया जाए। और प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब ऐसे जैसे महाराष्ट्र में है तो बच्चे छोटे क्लास में पढ़ रहे प्राइमरी लेवल पे तो अपने मराठी भाषा में सीखेंगे, दसवीं भारत में जाइए तो अपना तमिल तेलुगु मलयालम भाषा में सीखेंगे, यहाँ जो यूपी बिहार में तो हिंदी में सीखेंगे। कहने का मतलब है मातृभाषा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे कोठारी कमीशन में पढ़ते हैं इसमें मातृभाषा का प्रधान रखा गया था, उसी को ऐसे अभी मानते हैं। इस प्रकार पाठ्यचर्या की रूपरेखा पाठ्यचर्या एवं पाठ्य वस्तु का गहन संबंध होता है और पाठ्यचर्या की रूपरेखा कुछ निश्चित आधार संकल्पना आधारित है, कुछ इसमें इमेजिनेशन है, कुछ संकल्प है, इसमें इन्हें आंतरिक रूप से सुदृढ़ एवं सभी शिक्षा के प्रति उत्तरदायी लोगों को की पूर्ण सहमति मिलनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए, सभी की सहमति का भी होना जरूरी है। यह रूपरेखा संबंधित संकल्पना और राष्ट्रीय फोकस समूह द्वारा चार भागों में बांटी गई है। देखिए चार भागों में इसको बांटा गया है। जैसे हम अपना फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं तो उसमें किस किस पर फोकस किया जाना चाहिए, मानव जाति एवं समाज से संबंधित संभावनाएं होनी चाहिए। इसमें आपको आ गया शिक्षा का उद्देश्य न्याय समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, जनतांत्रिक एवं सांस्कृतिक समाज का निर्माण होना चाहिए। हमारा जो भारत देश है डाइवर्सिटी का देश है, मतलब विविधताओं में एकता का देश है। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, जो फ्रेमवर्क होना चाहिए वो समानता भी होना चाहिए, चूँकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही नहीं बहुत बड़ा लोकतंत्र है। तो अगर इसमें समानता नहीं है स्वतंत्रता नहीं है तो कैसा लोकतंत्र, बिना समानता स्वतंत्रता का लोकतंत्र की कोई आधारशिला ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए रूपरेखा में, करिकुलम की रूपरेखा में। मानव समाज से संबंधित इन संकल्पनाओं को में अस्पष्टता होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, इसमें क्लियरिटी भी होना चाहिए। और सेकंड है ज्ञान मीमांसा से संबंधित, ज्ञान विश्वास एवं कार्य को प्रभावित करता है। ज्ञान जो हमारा जो नॉलेज होता है हमारे विश्वास एवं कार्य को प्रभावित करता है। अतः पाठ्यचर्या की पाठ्य वस्तु सावधानीपूर्वक चुननी चाहिए, इसीलिए हमें बहुत सावधानीपूर्वक इसका रूपरेखा तैयार करना पड़ता है। ज्ञान मीमांसात्मक संकल्पनाओं के साथ ही अधिगम संबंधी संकल्पनाओं की चयन सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। जब रूपरेखा तैयार किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक संगठन होता है, ऑथोरिटी होता है जो अपना तैयार करते हैं, तो इसमें सारी परिस्थिति को देश को सबको मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। और उसके बाद बाल केंद्रित भी होना चाहिए, पाठ्यचर्या की रूपरेखा बच्चों की समझ पर ही आधारित होना चाहिए, यानी बालक को ही केंद्र बिंदु बना कर होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होना चाहिए, बच्चों की जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की समावेश होनी चाहिए पाठ्यचर्या में, यह नहीं कि उनके सामाजिक सांस्कृतिक को ध्यान में नहीं रख रहा है और करिकुलम का जो रूपरेखा है तैयार हो गया, तो इससे भी कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग इसका कुछ समझेंगे, करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका फ्रेमवर्क क्या है। तो सबसे पहले इसको बना दीजिएगा, करिकुलम कोर आ जाएगा, मतलब करिकुलम का जो कोर होता है आधार आ जाएगा। एम्स ऑफ एजुकेशन आ जाएगा, मतलब एजुकेशन का उद्देश्य भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। स्ट्रेटजी एसपी के ऑब्जेक्टिव, और इसमें क्या होता है कि उद्देश्य भी होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, विषयों की क्या होना चाहिए, सिद्धांत भी होना चाहिए, सेलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, क्रिटेरिया ऑफ गुड हेल्थ को ध्यान में रख के फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, क्रिटेरिया ऑफ गुड मटेरियल भी होना चाहिए, प्रिंसिपल इवोल्यूशन, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं इवोल्यूशन करते हैं। इसके पहले हम लोग करिकुलम डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, डिटेल्स ऑफ इसमें सिलेबस भी होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग फ्रेमवर्क समझे हैं। तो देखिए फ्रेमवर्क जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, और इसीलिए तो क्रासवेल ने कहा है, क्या कहा है कि हमारा जो फ्रेमवर्क होना चाहिए कैसा होना चाहिए, बच्चों के महत्वपूर्ण व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से जुड़ा होना चाहिए, यानी सब ध्यान में रख के बनाया जाता है फ्रेमवर्क। ऐसे ही नहीं कि कोई एक आदमी बैठा फ्रेमवर्क बना दिया, ऐसा नहीं बनाया जाता है। तो
इस प्रकार उसमें क्या होना चाहिए, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें व्यक्ति गुणों के विकास पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा विविध विषयों का ज्ञान देना भी अत्यंत आवश्यक है। भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्ति शक्ति का विकास, अच्छी आदतों के प्रति रुचि उत्पन्न होता है तथा खेल के प्रति झुकाव पैदा करना शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारा फिर तैयार किया जाता है। अब हम लोग कंक्लूजन समझेंगे। पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, जो फ्रेमवर्क है, पाठ्यचर्या के विवरण के स्थूल रूप को प्रस्तुत करती है। स्थूल रूप का मतलब है उसके जो मेन स्वरूप को क्या होता है प्रस्तुत करती है। पाठ्यचर्या को राज्य स्तर पर तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? राज्य स्तर, या राज्य स्तर का मतलब होता है देश, मतलब राज्य स्तर हुआ, जैसे हम लोग का BTC है राज्य स्तर पर बिहार का, और NCERT है केंद्र लेवल को, तो उसको राज्य सरकार भी उसको अपना सकते हैं। ऐसा कोई नहीं बात है कि NCERT केंद्र सेंट्रल स्कूल में चलेगा तो किसी राज्य और नहीं अपना सकता है। शिक्षण अध्ययन सामग्री कक्षा में प्रयुक्त प्रविधता कुछ हद तक मूल्यांकन विधाओं का निर्धारण व्यक्तिगत रूप में विद्यालय स्तर पर छोड़ दिया जाता है। और उसमें देखिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, तो कुछ तो राज्य स्तर पर तैयार किया जाता है, कुछ विद्यालय में भी छोड़ दिया जाता है। मानिए कि अब हमारा तो देश विविधताओं का देश है प्लस गाँव का देश है, यहाँ 6 लाख से भी ज़्यादा गाँव है। तो मानिए कि जैसे बिहार में अलग अलग गाँव का, हर कोई गाँव है बहुत डेवलप है, कोई बहुत पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ कुछ क्या किया जाता है, विद्यालय पर भी छोड़ दिया जाता है कि वो अपने परिवेश का अनुरूप कुछ इसमें अपना ऐड कर सकता है, मतलब कुछ जुड़ाव कर सकता है फ्रेमवर्क में। इस प्रकार पाठ्यचर्या की रूपरेखा के निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर भी शुरू होती है और अंततः कक्षा एवं विद्यालय स्तर पर आकर खत्म हो जाती है। इस प्रकार देखिए इसकी फ्रेमवर्क की शुरुआत कहाँ से होती है, राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होती है और राज्य स्तर पर आते हुए अंततः विद्यालय स्तर पर आकर क्या होती है, फ्रेमवर्क समाप्त हो जाती है। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी को धन्यवाद बोलती हूँ, और यदि बढ़िया लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें बस हम लोग फ्रेमवर्क के बारे में जाना है कि आखिर फ्रेमवर्क क्या है, और पाठ्य वस्तु पाठ्यचर्या में अंतर हम लोग आगे समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।